प्रदेश के जनपद हरदोई का कटियारी क्षेत्र वैसे भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। कई नदियों से घिरा हुआ होने के कारण यहाँ किसानों की समस्याएं बनी रहती हैं। सिंचाई का प्रमुख साधन ट्यूबवेल, बोरिंग और नलकूप है, जिसके लिए सिंचाई में ज्यादातर लोग बिजली का उपयोग करते हैं। और इस समय कटियारी के किसानों की प्रमुख समस्या है लो वोल्टेज, जिसके चलते किसानों की दर्जनों की संख्या में मोटर फूक चुकी है। किसानों को सिंचाई में समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं किसान इससे बेहाल और बिजली महकमे को कोस रहा है। वहीं अन्य प्रमुख समस्या सवाजपुर पावर हाउस पर तैनात रहे द्वारा दर्जनों किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर जमकर धन उगाह की गई, और ट्यूबवेल कनेक्शन तो नहीं मिला बरन जेई का ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते किसान अपने को ठगासा महसूस कर रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर युवाओं के बीच उभर कर सामने आए राजवर्धन सिंह राजू, जो कि किसान नेता भी हैं। किसानों ने अपनी समस्याएं उनको बताई तो राजवर्धन ने उन सबको भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई को प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे। इसी कड़ी में आज उपजिलाधिकारी सवाईपुर को राजवर्धन ने सैकड़ों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा और जल्द इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। सवाजपुर ब्यूरो, उदयवीर सिंह की रिपोर्ट। मांगे और किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे ये है कि जो ये सवाजपुर विधानसभा के अंतर्गत रूपापुर क्षेत्र जो है, उसमें कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के भी तुम इधर आ जाओ, यहाँ अभी जो किसानों की एक प्रमुख समस्या है बिजली का लो वोल्टेज, बिजली ना आना और बिजली के जर्जर तार, ट्रांसफार्मर कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर बदलाने को लेकर हम लोगों ने एक आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इसलिए दिया है कि काफी किसानों के मोटर फूक गए हैं, कई कई बार फूक गए हैं, क्योंकि ये ज्वलन समस्या है, किसानों जुड़ी समस्या है। सिंचाई का एकमात्र यही साधन, यहाँ बिजली अगर नहीं आएगी तो न यहाँ कोई नहरें हैं, ना कोई माइनर है और ना ही कोई अन्य सिंचाई की व्यवस्था, उसको लेकर एक तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। दूसरी चीज, अघोषित बिजली की जो कटौती होती है बिना बताए, आप लोग उद्योगपतियों को बिजली देते हैं लगातार, चीनी मिल को बिजली 24 घंटे मिलती है, लेकिन किसानों का जब भी समय आता है, चाहे सिंचाई का समय हो, चाहे धान रोपाई का समय उनका हो और चाहे उनके बहन बेटियों की शादी हो, तब बिजली जरूर गुल हो जाती है। तो दूसरी मांग ये थी। तीसरी एक प्रमुख समस्या यहाँ की जो है, विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पिछली बार एक एपी सिंह जेई यहाँ पे पोस्टेड था, जिसने हमारे काफी किसान भाइयों से 25-25, 50-50 रुपया लूट के रख लिया और ये कहा कि तुम्हारा निजी नलकूप कनेक्शन कराएंगे, लेकिन ना ही कनेक्शन हुए और ना ही कोई आगे कार्रवाई बढ़ी, तो उनपे मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो किसानों का पैसा वापस कराए। तीसरी मांग ये है, यहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय और बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमको आज आश्वस्त किया है कि समस्या का जल्द समाधान होगा। अगर ये 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से बड़ा